बिना बेले आप बहुत आसान तरीके से और बहुत कम समय में एक खस्ता और कुरकुरी मठरी कैसे बना सकते हैं वही मैं आज दिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑफ रेशमीज किचन मंत्रा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है तो इसलिए आज मैं बनाऊंगी मेथी मठरी, जिसे आप महीने भर स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। यह मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है, इसमें मैं सबसे पहले लूंगी मैदा। आप यहाँ पे मैदे के जगह पे आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेजरिंग कप से 2.5 कप मैदा ले रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। मैं करीब 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अजवाइन डाल रही हूँ 1 टीस्पून, हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डालूंगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। डाल रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। और साथ ही में डाल रही हूँ मेथी मठरी के लिए कसूरी मेथी 2 टेबलस्पून, आप यहाँ पे फ्रेश मेथी पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डाल रही हूँ घी, 2 टीस्पून घी डाल रही हूँ। आप यहाँ पे तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आते हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। हल्के हाथों से रब करते हुए हम घी को सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करेंगे। अगर आप घी के बदले यहाँ पे तेल का इस्तेमाल करते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी तेल को हल्का सा गुनगुना करके इसमें डालें। यह देखिए अच्छे से मैंने घी को मिक्स किया है सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब देखिए इसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो चुका है। अभी हाथ से जब हम इसमें मुट्ठी बना रहे हैं तो ये मुट्ठी बन रहा है, इसका मतलब इसमें मोन आ चुका है। अब हमें इसमें धीरे धीरे पानी डालना होगा। एक ही साथ बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करते हुए एक टाइट डो हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। अब आटा या मैदा कितना क्वांटिटी में ले रहे हो उस हिसाब से यहाँ पे पानी का इस्तेमाल होगा। नरम आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, उससे जो मठरी है वो बहुत जल्दी नरम पड़ जाएगा, वो कुरकुरी नहीं बनेगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही जितना जरूरत है उस हिसाब से पानी डालें और यहाँ पे एक टाइट डो प्रिपेयर करें। तो यह मेरा डो प्रिपेयर हो चुका है। अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद यहाँ पे डो अच्छे से सेट हो चुका है। अब एक बार फिर से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आज की मच्छी को बनाने के लिए हमें इसकी रोटी बेलना नहीं पड़ेगा, तो मैं किस प्रोसेस में बनाऊंगी वो देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो अब यहाँ पे एक बार मैं हाथ से अच्छे से रोल कर लूँगी ताकि डो को काटने में हमें आसान हो जाए। तो यह देखिए एक राउंड शेप की डो मैंने प्रिपेयर किया है। अब हमने एक प्लेट ले लिया है, यह देखिए मैंने लिया है एक सीजर यानी कि छुरी, इससे हम कट करेंगे। इस सीजर से थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम कट कर लेंगे और बहुत आसान तरीके से मठरी बन जाएगा। मठरी को फ्राई करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए अगर इस प्रोसेस में हम इसे कट कर लेंगे तो बेलने का झंझट भी नहीं होगा और मठरी बहुत जल्दी बन भी जाएगा। तो यह मैंने धीरे धीरे सारे डो से मठरी प्रिपेयर कर लिया है। अब है तलने की बारी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई पे ले लिया है तेल। इसे हमें डीप फ्राई करना है तो इसीलिए तेल को मैंने गरम कर लिया है पहले ही। तेल कितना गरम हुआ है वो चेक करने के लिए एक मठरी को मैं पहले डाल रही हूँ। और यह देखिए मठरी ऊपर आ रहा है तेल में, यानी कि फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब तेल परफेक्टली गर्म हुआ है। अब मैं धीरे धीरे यहाँ पे कट करके रखा हुआ मठरी को डाल रही हूँ। अभी ये इकट्ठा दिख रहा है, लेकिन तेल में अच्छे से ये गर्म होने के बाद सारे अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ही तेल में अच्छे से ये गर्म हो गया है, आप देखिए सारे अलग हो चुके हैं। इस मठरी को थोड़ा सा टाइम लेके हमें लो फ्लेम में फ्राई करना है ताकि ये अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाए। अभी देखिए यहाँ पे इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, यानी कि मठरी अच्छे से फ्राई हो चुका है।
धीमे आंच पे 4 से 5 मिनट टाइम लेके मैंने यहाँ पे मच्छी को फ्राई किया है। मैं यहाँ पे 2 से 3 बैचेस में इस मच्छी को फ्राई करूँगी। तो पहला बैचेस जो है वो फ्राई हो चुका है, इसे मैंने तेल से देखिए निकाल लिया है। अब जो दूसरा बैच है उसे मैं फ्राई करूँगी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा खस्ता और कुरकुरी बनता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। इस मच्छी को आप 1 महीने तक स्टोर करके रख के खा सकते हैं। तो रेसिपी और प्रोसेस कैसा लगा लिख के मुझे ज़रूर बताइए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिए। तो आज इतना ही, फिर मिलूंगी नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।